पंजाब से हैं प्रदीप कौर, स्वागत है आपका जी, जी। नमस्कार बात पूछना चाह रहे वकील साहब से। बात कर रहा हूँ जी, बात हो रही है। प्रदीप जी बताइए ये तो जी जी, पेड़ में कटने हो रही है, कमर क्या हो रही है आपको? दर्द हो रही, कमर दर्द हो रही है, कानों में दर्द हो रही है, जोड़ों हाँ में दर्द हाँ है, नाड़ों में खिंचाव है। ठीक है। कितनी उम्र है प्रदीप साहब? नमस्कार आयु जी, जय हिंद। आपकी उम्र कितनी है? ये उम्र है जी 65 साल जी। 65 साल। और परवाह नहीं करो जी, देखो एक तो ये करो कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करो, और देखो आप पंजाबी पुत्र लग रहे हो मेरे मैनू, और कोई वजन वजन नहीं उठाना, और तुसी कोई डांस भी नहीं करना कुछ दिन तक। वो पंजाबी डांस जो होता है ना, वो बहुत झटके लेता है। तो एक तो ये एहतियात करें, वजन नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। और एक आता है गोंद, स्याह यानी काला गोंद, इसको हम लोग बोलते हैं, असली ले लीजिए बस। और 100 ग्राम काफ़ी होना चाहिए रोगी के रोग के लिए। आधा ग्राम अगर असली मिल गया तो आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खाया करें, पानी से या थोड़े पतले दूध से, यानी बगैर चर्बी के दूध से खाएं तो बहुत अच्छा। थोड़ा सब्र करना, इस रोग के लिए ये अच्छा इलाज माना जाता है। और 100 ग्राम भी आपने असली ले लिया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से हैं सुबोध, स्वागत है आपका हाँ जी मैडम, नमस्ते। जी। नमस्कार सर। अकीम सर नमस्कार। जय हिंद सर, वेलकम। सर देखिए, एक डाउट में है जो जो आप बताते हैं त्रिफला में जैसे भून के होना चाहिए सब चीजें, तो हाँ आप बताते हैं कि उसमें आंवला जैसे बताते हैं किसी और चीज में पड़ना है किसी पाउडर में, तो क्या आंवले को भी उसमें आलमंड में तेल ठीक में भूनना पड़ेगा? ठीक ठीक है। है। और कोई सवाल भी है आपका? नहीं जी और कुछ नहीं है, यही एक डाउट है। मैंने कहा हरड़ जैसे भूनते हैं ठीक है या ठीक। बहेड़ा भूनते हैं, तो हाँ आंवले को भूनने की जरूरत है कि नहीं दूसरे नहीं, और प्रोडक्ट्स में डालने के लिए? हाँ सिर्फ देखिए तीन नाम है, आंवले को भूनने की ज़रूरत नहीं है। तीन नाम है, हरड़, बहेड़ा और हरड़ काबली। ये एक ही फल होता है। कच्ची कैरी होती है, कच्चा फल गिर जाता है तो छोटी हरड़। बहेड़ा जो उसमें अंदर गुठली पड़ जाती है उसे बहेड़ा कहते हैं, और उसकी गुठली जब पुख्ता मजबूत हो जाती है तो उसे हरड़ काबली कहते हैं। ये तीनों एक ही फल हैं। तो ये जहाँ भी इस्तेमाल हो उनको इसमें कम से कम ये अरंडी के तेल में, जिसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं, या बादाम के तेल में, या फिर भी अगर कुछ भी नहीं हो तो फिर किसी भी तेल में भून लें, लेकिन इन तेलों में भूनकर इसके नतीजे बहुत अच्छे। ये बहुत कीमती और फ़ायदेमंद चीज़ है उन लोगों के लिए जो इसे भूनकर इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर भूने नहीं जाए तो ये आंतों में अल्सर तक कर देती है, और फिर पूरी ज़िंदगी अल्सर, आंतों के अल्सर कहते हैं, आंतों के छाले, आंतों के ज़ख्म, तो ये उसमें मुब्तला कर देती है। खुदारा आप इसको भून कर इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी। अगली कॉलर है सिमरन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्कार नमस्ते वेलकम सिमरन जी, स्वागतम। डॉक्टर साहब, मैं आप लोग को देख कर मेरी आधा बीमारी खत्म हो जाती है। जितने आप लोग खुश खुश दिखते हैं उतने हम लोग सीधे आपको देख उतने खुशी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं वो जो क्या होता है जो खाने का सोडा है तो मैं इस्तेमाल करती थी, जैतून के सिरके में डालकर जो खुजली होती थी वो मेरी ठीक हो चुकी है। तो अरे क्या वाह, मैं वो जो जो होता है जो खाने का सोडा, क्या मैं उसको बंद कर दूं?
और डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, अब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो 4-5 महीने मेरी खत्म हो चुकी है। और गोंद मोरिंगा जो इस्तेमाल करते थे, तो क्या मैं आजीवन इस गोंद मोरिंगा को यूज कर सकती हूँ कि मैं मेरी ग्लो ऐसे ही बनी रहे? और डॉक्टर साहब एक सवाल और था, मेरी देवरान है उनका मुंह पूरा तरह से खुलता नहीं है, बस थोड़ा सा मुंह खुलता है, खाने में उनको दिक्कत होती है, प्लीज डॉक्टर साहब बता दीजिए। अच्छा, वो क्या गुटखा तो नहीं खाती? पहले खाती थी तो डॉक्टर साहब अब बंद कर दी है। ठीक है ठीक है, देखिए मैं समझ गया था कि वो गुटखा खाने वालों का ही मुंह थोड़ा सा खुलता है, वो गुटखा मुंह रख के जो यूं चबाते रहते हैं ना, तो वो यहीं फिक्स हो जाता है, अब उसको जब मुंह खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो इतना सा खुलता है। ये भी ठीक हो सकते हैं, आप उन्हें अलसी भूने, 300-400 ग्राम अलसी भून लें, और ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद उसमें एक चुटकी मिलाए एक चम्मच में इसके पाउडर में, और रोज़ाना एक बार या दो बार दिया करें, वक्त लगेगा, फिर गुटखा दोबारा नहीं खाएं, नहीं तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपकी जो प्रेम है ना, प्रेम भावना ख़ास तौर पर इनके लिए, और वो बहुत कीमती है, आपका जो सीधापन, आपका भोलापन और आपका विश्वास भगवान में, ये आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। हम चाहते हैं कि ऐसा विश्वास सब में हो और सब लोग इसका यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। आप कभी कभी तो ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के लिया करें, अब आपके चेहरे पे पूरी ग्लो आ गई इससे गोंद मोरिंगा से, तो आप कभी कभी लिया करें। देखिए हमेशा, वैसे तो ये नुकसान नहीं देता, लेकिन क्यों इतना खर्चा किया? और वो सोडा भी आप कभी कभी इस्तेमाल किया करें। अब आप पूरी तरह अच्छी हो चुकी हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, लेकिन वादा करें आप लोगों की इसी तरह सेवा करती रहेंगी जब तक भी सांस में सांस और दम में दम है और दिमाग ठीक है। दिमाग जब तक ठीक रहता है जब तक आदमी काम करता है, तो हमेशा लोगों की सेवा करती रही, आप बहुत ज़्यादा पूरे गांव की सेवा करती है, ये मुझे पता चल चुका है। जी महाराष्ट्र से हैं तौफीक जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, अपना सवाल कर लीजिए। मेरे राइट साइड में कोई भोरे के पास जो रक्त बहता है ना, वो नलिका वो चिपक गए, वैसा लगता है, बीमार जैसा लगता है राइट साइड पर, और खुद जाता है भोरे के पास, और कोई चावरा है मतलब डसता है राइट साइड के रक्त नलिका जो बहती है ना, रक्त बहता है नलिका से, वो डसते जैसी लगती है, चाव के जैसी लगती है, और खुद जाती भी है राइट साइड के। कहाँ पर? पैर में नहीं, राइट साइड सिर पर। अच्छा, भोरे के पास इस तरफ खुजाती है। आपको आईब्रो के पास ही दिक्कत है? हाँ? आईब्रो जहाँ पे आपके ये भोए हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है ये? हाँ, भोरे के पास, आईब्रो के ऊपर इनको दिक्कत परेशानी है, दर्द होता है, और क्या तकलीफ हो रही है आपको वहाँ पे? खुजली भी होती है। खुजाती है, और कोई चावरा है मतलब डसता है ऐसा लगता है, और दुखती भी है। दुखती है, खुजली होती है। ठीक है जी। हाँ देखिए, कलौंजी का सिरका लें, कलौंजी का सिरका और 2 या 3 चम्मच एक गिलास पानी में डालें, और एक चुटकी में सोडा, जितना खाने का सोडा जो हमारे किचन में होता है, मम्मी से पूछना या घर में जो भी जिम्मेदार हैं, वो मिलाकर रात को सोते समय एक खुराक पिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जीवन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार सर। हकीम जी को नमस्कार। जय हिंद, वेलकम सर। मैम मेरा 3 सवाल है, जरा नोट कीजिए। जी बोलिए। एक पहला सवाल तो यह है कि हकीम जी ने ये बताए थे, मैंने बताया था पीछे सवाल करा था कि 23-24 साल का मेरा बेटा है। हाँ। जिसको जो है आंख में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया था कि वो देने के लिए मुंडी बूटी 1 सप्ताह तक। जी। तो उसे उसे एक एक मुंडी बूटी दे रहे हैं, 2 लड़के हैं, दोनों को दे रहे हैं, तो एक को
दो तीन रोज जैसे दिए तो उसके आंख चिपकने लगा है रात को, जिसका लाल रहता था। ठीक तो उससे ये पूछना है कि कोई आगे देते रहे कितने दिन तक, एक सप्ताह बोले थे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और दूसरे की वो गांठ गांठती थी उसको भी दे रहा हूँ, उसको भी एक सप्ताह जो है देने के लिए बोले थे। और अपने मैडम के लिए मैंने बोला था कि उनको जो है सिर के पीछे जो है नस में जो है दर्द रहता है, ये सब कुरकुराहट रहती है, वो वैसे तो जो है बॉन्सिया ले ही रही है, तो उन्होंने खसखसा बताए थे मेरे को कि दूध में पीस करके देने के लिए। तो वो खसखस दे रहा हूँ तो उससे ये दर्द में तो राहत मिली है, आज 7-8 रोज हो गए, मगर पेट कब्ज होने लगा है उससे, लैट्रिन जो खुल के नहीं आती है। अरे बच्चों को तो अभी रोक दीजिए जो मुंडी बूटी देते हैं। अच्छा, ये धीरे धीरे असर करती है, आँख में गीत बनने लगे तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। अपने डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, ये जो वायरल होते हैं ना, वायरल बुखार या एलर्जिकल कोई मर्ज, और गुहाइनी जिसके दाने दाने निकलते हैं बच्चों के, उसके लिए अब ये चीज़ें इनको 5-6 साल तक नहीं होती, ऐसा हमारा तजर्बा है, अगर आपने 5-6 दिन दिया है, लेकिन धीरे 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 ख़त्म होती जाएंगी। खुराक डोज उनके पहुंच चुका है, और अब आप बेफिक्र हो जाइए और जो इलाज करना चाहें करें, लेकिन ये रोग अब ये मुद्दतों तक उनको परेशान नहीं करेंगे, और मैडम को भी फ़ायदा शुरू हो गया, ये और ख़ुशी की बात है। अगर कब्ज़ होता है तो 1 चम्मच धनिया के साथ दिया करिए मैडम को, धनिया और मेथी का पाउडर बना लीजिए, जिसमें मेथी 50 ग्राम हो, धनिया 100 ग्राम, इसका पाउडर 1 चम्मच उनको खिलाएं और ये पिला दें, तो उनकी ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है। और क्या सवाल? बस इनके दो ही सवाल थे हकीम साहब। ठीक है, चलिए अगले कॉलर हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? आप थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए सर। हाँ जी, जी आपने हकीम साहब से बात करना है जी। हाँ जी, हकीम साहब से बात हो रही है आपकी। मैडम हमारे दो तीन सवाल है, नोट कर लीजिए। जी सर। मैडम दो तीन सवाल है, नोट कर लीजिए मेरे। सर बोलिए, आप सवाल तो बोलिए। पहले सजीव का दवाई हमने पूछा था, दर्दों की। हाँ जी, दर्दों की दवाई पूछा, उसको बीपी शुगर भी है, बीपी शुगर और रात को श्रेणी भी आती है। समझ गया आप? बीपी है, शुगर है, जिनको पैरों में दर्द है, रात को उसको श्रेणी आ जाती है। क्या आती है रात को? सोते वक्त ना मुड़को आ जाता है, सोते वक्त सर, सोते वक्त रात को मुड़को आ जाता है, श्रेणी आ जाती है। हम लोग समझ नहीं पा रहे। नाड़ों में बचा है सर। मेरा दूसरा सवाल है, नसों में खिंचाव, दूसरा सवाल है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई। अच्छा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? हाँ जी, मैं इधर से बोलती हूँ, आप बताइए। जिनको पैरों में दर्द है, उनको बीपी है, शुगर है, नसों में खिंचाव है, और रात को मिर्गी के दौरे आते हैं? नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। नसों में खिंचाव, हाँ ठीक है। और कोई सवाल? और एक दूसरा सवाल है, तो लड़के की उम्र 50 साल है। हाँ, उसको बीपी शुगर रहता है। ठीक है, सिग्नल की प्रॉब्लम। जी जी, बीपी शुगर, दर्द, नसों में खिंचाव। अब देखिए, बीपी शुगर शायद दो लोगों को है आपको, तो बीपी शुगर का इलाज लेते रहे, दवा ना छोड़े जो भी आप लेते हैं, और कलौंजी का सिरका 2 चम्मच पानी में डालें और 1 चुटकी उसमें खाने का सोडा मिलाएं, और दिन में 2 बार खाने के बाद पिएं, और अपनी सारी औषधि लेते रहें जो डॉक्टर देता है, और ये लेना शुरू कर दें,
तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कंट्रोल होना मुमकिन है। और जिनको नसों में दर्द, कमर में दर्द या पैरों में खिंचाव या कहीं भी दर्द है, तो गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है जिसका असली लेना बहुत ज़रूरी है। इसको आप असली लें और इसका पाउडर बना लें। ये एक रॉ मटेरियल यानी कच्ची दवा कच्ची गोंद है, एक जो नकली बहुत मिलता है। 100 ग्राम खरीद लें, काफ़ी होना चाहिए एक रोगी के इलाज के लिए। ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम सुबह खिलाएं, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद और नाश्ते के बाद। थोड़ा सब्र करें, धीरे 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 ये आपके सारे जोड़ों के नसों के परेशानी को अच्छा करता है। और जिनको भी नसों में कमर में दर्द है और जोड़ों में दर्द है, तो वो वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग ज़रूर करें और ज़्यादा मेहनत ना करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है।